नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मुझे पता है कि आप अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ के आप अपनी ज़िंदगी में जो भी स्टेप्स लें, उन सारे स्टेप्स में, उन सारे रिलेशनशिप में, उन सारे जो कुछ भी आप एक्टिविटीज डे टू डे अपनी लाइफ में करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिले। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो ये है कि मैम, लग्न क्या होता है? अब लग्न को मैं एक फिलोसॉफिकल वे में बताऊं या लग्न को मैं एक साइकोलॉजिकल वे में बताऊं या लग्न को मैं कॉमन वे में बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन वे इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप को ज्योतिष में या साइकोलॉजी में या फिलोसफी में या पॉलिटिक्स में, किसी भी चीज़ में अगर आपको डीपली इंटरेस्टेड नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके आपके क्या कहते हैं, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। और जब वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है आपके, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसमें हम डिटेलिंग एंड डेफिनेशन एंड डेप्थ में जाके अगर कोई चीज़ बताने की कोशिश करो, तो आपको नहीं समझ में आएगी। तो एक उसका वे होता है एस्ट्रोलॉजिकल कॉमन वे। एस्ट्रोलॉजिकल कॉमन वे आपको एक बार बताया जा सकता है कि लगन, अगर आप उसे कोई सपोज पंडित आपको बताता है या कोई ज्योतिषी आपको बताता है कि आपकी लगन, आपका ये लगन है, जैसे सपोज टॉरस जोडियक एंड टॉरस लगना, तो उस लगन क्या है, तो कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ज्योतिष जो है वो अपनी पूरी राम कहानी बता देते हैं, बट आपको वो डिफाइन करने की या आपको डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं करते। कि जब तक आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं समझोगे, तो आप कैसे भी किसी चीज़ को करोगे, चाहे आप किसी भी गॉड को वर्शिप करते हो या आप अपने इष्ट को वर्शिप करते हो, तो उसको वर्शिप करते समय उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तभी तो हम वर्शिप करेंगे। या किसी भी काम को करते समय हमें थोड़ा बहुत ये तो पता होना चाहिए कि व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क, फॉर मनी पर्पस, फॉर हैप्पीनेस, फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, फॉर सोसाइटी, फॉर माय फैमिली, देयर आर सो मेनी रीजंस। जब हम किसी काम को करते हैं तो करीब करीब हमें उनका पर्पस पता रहे, तो फिर हम उस काम को अच्छी तरह से करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, और वो काम जो है वो अपने एक सही मुकाम तक पहुंचता है। तो लगन का सीधा सीधा मतलब है कि सपोज जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है, तो मेरा लग गया उसमें। क्या लग गया? मेरा मन उसमें लग गया। मुझे कोई व्यक्ति पसंद है तो मेरा उसमें मन लग गया। और जब जिस समय मेरा उससे किसी व्यक्ति में, वस्तु में, प्लेस में, घर में, गाड़ी में, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है, वो में जब हमारा मन लग जाता है, तो हमारा उसके साथ क्या हो जाता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है। तो जब हमारा उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, तो हमारी जो है वो इच्छा होती है कि हमें वो चीज़ चाहिए। अब उस चीज़ को कई बार हम आसानी से खरीद लेते हैं या पा जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो। या कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी हम उस चीज़ को हासिल करने में, पाने में,
कई बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ होता है, पैसा बहुत कहते हैं, पैसा मनी इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, तो लेकिन मनी हमारे पास होने के बावजूद भी हम उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर इंसान को या उस पर्टिकुलर गाड़ी को नहीं खरीद पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, नहीं हासिल कर पाते हैं। क्यों? तो जा हमारी एक तो फिजिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में युति जुड़ी, बायोलॉजिकल युति जुड़ी। बायोलॉजिकल युति क्या है कि ये मेरा मेरा फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड है, बराबर है, मीन्स ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पंजा है, ये मेरी उंगलियां हैं। अब इस उंगली में मेरा मन हो गया कि मैं डायमंड की रिंग पहनूं। अब उस डायमंड की रिंग के साथ मेरी उंगली का जो क्या हो गया है, लगन जुड़ गया है, कनेक्शन जुड़ गया है, युति भी इसे कहते हैं। युति मीन्स कंजक्शन, कंजक्ट हो गई हूँ मैं उसके साथ, जुड़ गई हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए, अभी कभी शादी ब्याह भी होता है तो वहाँ क्या लगते हैं, इनका इसका इससे लगन है ना, गाना भी आपने सुना होगा, इनसे मेरी लगन लगी है ना, लगन लगी तुझसे है ना, ऐसी लागी लगन। तो लगन क्या है? लगन मीन्स कंजक्शन, लगन मीन्स कनेक्शन, लगन मीन्स किसी भी चीज़ से जुड़ जाना। तो ठीक इसी तरह से हम कभी कभी उन चीज़ों को पा लेते हैं, कभी कभी उन चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पोजीशन को बहुत आसानी से या मेहनत के बाद पा लेते हैं, क्योंकि हम में अवेयरनेस होती है उन चीज़ों को लेके, उस लेवल की अवेयरनेस होती है। और कई बार क्या होता है कि हमारा कंजक्शन जो फिजिकल भी जुड़ा हुआ होता है और हमारे ग्रहों का भी कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज टॉरस है, वृषभ राशि है, और वृषभ राशि का लगन और वृषभ राशि का वृषभ राशि और राशि और लगन, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दोनों कई बार क्या होती है, कंजक्ट भी हो जाती हैं, जुड़ भी जाते हैं। तो इनके जब जुड़ने से और जब ये पॉजिटिव जुड़ती हैं और जब ये मतलब एक अपनी कुंडली में या आपकी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन में रहती हैं, तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। और उनका एक जब पीरियड ऑफ टाइम चलता है, मैं बात के वीडियोस में बताऊंगी आपको, तो एक ग्रह जैसे जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 के अलावा भी और 2-4 प्लैनेट्स और हैं जो अपने जिन्हें न्यूट्रल प्लैनेट्स माना गया है, बट दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लेइंग अ बिग पार्ट ऑफ बिग पार्ट इन आवर लाइफ। तो होता क्या है कि और कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो जब हम उनको इग्नोर कर देते हैं तो सब कुछ बताने और सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ें जो हैं वो प्लेस नहीं करती, और कई बार क्या होता है कि सडनली और अचानक से वो चीज़ें प्लेस कर जाती हैं। तो उसके पीछे यही होता है कि जो कंजक्शन है, जो जो लगन है, वो जो है वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और फिजिकल वर्ल्ड में तो जुड़ा हुआ ही है, और वो परमात्मा के यानी ग्रहों का जो कंजक्शन है वो भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो लगन क्या होता है, लगन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। तो ठीक इसी तरह से फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और चीज़ें जो है वो किसी भी चीज़ से डिफरेंट नहीं है, वैसे ही यूनिवर्सल वर्ल्ड में भी हम एक ही पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, एक ही पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, वो एक ही पावर है जो पूरे वर्ल्ड को, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स जो है वर्ल्ड के, उनको सबको रूल कर रही है। और अगर हम एनवायरमेंट में उसको देखते हैं तो उससे उन्हीं पार्टिकल्स को हम गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं, और उन पार्टिकल्स में जान है और उन पार्टिकल्स का अपना एक वजूद है। तो उन पार्टिकल, वो पार्टिकल जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो प्ले करते हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन भी लाते हैं हमारी लाइफ में और कंस्ट्रक्शन भी लेकर आते हैं। तो इस तरह से हम उसे कहते हैं, हम क्या, जब कोई भी चीज़ जुड़ जाती है या जो दो ग्रहों की युति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लगन। तो जनरली हम लगन की बात नॉर्मल वे में जानते हैं कि लगन मतलब लगन लग गई है मेरे यार, मेरा दिल लग गया है, मेरा दिल लग गया। तो लग जाना मतलब
तो लग तो गया आपका, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में, यानी वो यूनिवर्सल पावर क्या है, क्या यूनिवर्सल पावर चाहता है कि आप उस कंडीशन में रहो, क्या यूनिवर्सल पावर वो आपको टॉप की पोजीशन, वो रिलेशनशिप, वो जो कुछ भी आप चाहते हो फिजिकल वर्ल्ड में वो आपको दे रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो देना चाहता है। तो अगर सारी कंडीशंस अच्छी हैं आपकी कुंडली में तो आपको वो चीज़ मिल जाती है कभी कभी इजिली एंड कभी कभी मशक्कत के बाद, तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हो और खुश हो जाते हो। तो ज्योतिष का यही काम होता है, और इसके ज्योतिष के तो ज्योतिष का काम तो होता ही है। अभी एस्ट्रोलॉजी इज प्लेइंग अ बिग बिग पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, बट साइकोलॉजी, यू कांट अवॉइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपका ब्रेन, आपका फिजिकल कंस्ट्रक्शन, आपकी बॉडी, आप खुद आते हो, क्या आप उन चीज़ों को मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, क्या आपका उसमें विश्वास है, बिलीव है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपके बिलीफ लेवल तक जा सकता है। अगर आप इतने स्ट्रांग हो और इतनी ही तरह से आप उस परमपिता परमात्मा को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नेचर के फॉर्म में हो, सन के फॉर्म में हो, प्लैनेट्स के फॉर्म में हो, अर्थ के फॉर्म में हो, या ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो, तो आपका आप उसमें विश्वास रखते हो। अगर आप उसमें विश्वास रखते हो तो ही कोई चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट करेगी। अगर आप उसमें विश्वास नहीं रखते हो तो आप चाहे कितने भी बड़े यज्ञ करा लो, कितने भी बड़े हवन करा लो, कितनी भी घंटियां बजा लो, कितने भी घंटे बजा लो, कितने भी शंख बजा लो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो चीज़ आप चाहते हो। और अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत या ईश्वर की कृपा से आ भी गई, तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली नहीं होगी, और वो थोड़े समय के लिए आपके पास आ जाएगी क्योंकि आपने उस गॉड के निमित्त थोड़ा बहुत कुछ काम किया। तो सबसे पहले इन साइकोलॉजिकल वे आपको जाके अपने अपने जो माइंड है उसमें आपको विश्वास करना पड़ता है कि क्या आपको उन चीज़ों पर विश्वास है। और अगर आपका विश्वास एक कंकड़ में भी है, आपका विश्वास एक पत्ती में भी है, एक तिनके में भी है, तो आप विश्वास रखिए कि आप जो चाहते हो उसका कंजक्शन, उसका लगन आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, आप सहमत हो या आप ना सहमत हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।